हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग स्थान, लर्न टू नो एंड नो टू लर्न। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पीएसपीसीएल जेई में पूछे हुए क्वेश्चंस को, जिसका एग्जाम हुआ था 2019 में, राइट। ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है, इस पेपर के एनालिसिस का पार्ट वन आ चुका है, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 35 तक डिस्कस किया था। ये जो लेक्चर होगा ये होगा पार्ट टू, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 70 तक डिस्कस करूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ये रहा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स कैन बी यूज्ड टू इंप्लीमेंट द फंक्शनली ऑफ एनी लॉजिक। एनी लॉजिक, यानी कि क्वेश्चन में ये कहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा लॉजिक गेट है जिसको यूज करके हम किसी भी लॉजिक गेट को फॉर्म कर सकते हैं। इट मींस ये आपसे पूछा है कि आप बताइए इनमें से कौन सा लॉजिक गेट यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, राइट। क्योंकि जो यूनिवर्सल लॉजिक गेट होता है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कोई भी लॉजिक गेट को हम फॉर्म कर सकते हैं, राइट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स ये कौन कौन से होंगे, ये हो जाएगा एक नैंड गेट, और दूसरा हो जाएगा नॉर गेट। नैंड गेट और नॉर गेट ये दोनों होते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यदि मैं सिर्फ नैंड गेट को पिक करूं तो इसकी हेल्प से मैं कोई भी लॉजिक गेट को फॉर्म कर सकता हूं, राइट। सिमिलरली यदि मैं सिर्फ नॉर गेट को पिक करूं तो इसकी हेल्प से भी मैं किसी भी तरह का लॉजिक गेट को फॉर्म कर सकते हो, राइट। यहाँ पर देखिए इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, तो यहाँ पर अवेलेबल है नैंड गेट। इट मींस थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 37, इस क्वेश्चन में क्या कहा है, द थ्री रेजिस्टेंसेस ऑफ 3 ओम ईच आर कनेक्टेड इन डेल्टा, their value in each branch of equivalent star connection will be what? तीन resistance हैं 3 ohm each, ये तीनों connected हैं delta में। It means इनका जो connection है वो ऐसा है, delta connection में ये तीनों resistance connected हैं, तीनों की value है 3 ohm, right? अब हमसे ये पूछा है कि इसका जो equivalent स्टार कनेक्शन में जो इसका इक्विवेलेंट होगा उसकी वैल्यू बताइए। इट मींस यदि मैं कहूं कि इसका इक्विवेलेंट स्टार हमारा ऐसा है, राइट, और इस स्टार इक्विवेलेंट के हर एक ब्रांच का रेसिस्टेंस मैं बोल दूं आर, ओके, तो इस आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। आर कितना हो जाएगा, जो डेल्टा के आर्म का रेसिस्टेंस है 3 डिवाइडेड बाय हम कर देंगे 3, यानी कि ये हो जाएगा 1 ohm, ओके? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 ohm। यहां पर ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन सेकंड में गिवन है 1 ohm, सो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इस क्वेश्चन में क्या कहा है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड्स टू द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द होल सिस्टम अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड एज व्हाट। यहां पर आपसे कहा है कि रेशियो ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड टू द मैक्सिमम डिमांड ऑफ द होल पावर सिस्टम, ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाता है डाइवर्सिटी फैक्टर। ये डेफिनेशन है डाइवर्सिटी फैक्टर का, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यदि मैं डाइवर्सिटी फैक्टर की बात करूं तो इसकी जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। यदि मैं लोड फैक्टर की बात करूं तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 होती है। यदि मैं डिमांड फैक्टर की बात करूं इसकी वैल्यू भी लेस देन 1 होती है। यदि मैं पावर फैक्टर की बात करूं इसकी वैल्यू भी लेस देन इक्वल टू 1 होती है।
ओके, यहां पर लोड फैक्टर क्या हो जाएगा, एक बार इसको भी देख लो, लोड फैक्टर ये हो जाएगा एवरेज लोड और मैक्सिमम डिमांड का रेशियो, मैक्सिमम डिमांड। उसके बाद दूसरा है डिमांड फैक्टर। डिमांड फैक्टर को हम क्या लिखेंगे, डिमांड फैक्टर यहां से हो जाएगा मैक्सिमम डिमांड, डिमांड फैक्टर दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय टोटल कनेक्टेड लोड, टोटल कनेक्टेड लोड। ये हो जाएगा मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय टोटल कनेक्टेड लोड, इट मींस डिमांड फैक्टर इसकी वैल्यू लेस देन होती है 1, राइट। जो हमारा लोड फैक्टर होगा एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, इसकी वैल्यू भी होगी लेस देन 1। लेकिन जो हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर होता है इसकी वैल्यू होती है ग्रेटर देन 1। यदि मैं पावर फैक्टर की बात करूं तो ये क्या होता है, जो पावर फैक्टर हो जाएगा ये हो जाता है एक्टिव पावर, एक्टिव पावर डिवाइडेड बाय एपरेंट पावर, एपरेंट पावर ये हो जाएगा एक्टिव पावर और एपरेंट पावर का जो रेशियो होता है वो कहलाएगा पावर फैक्टर, इसकी वैल्यू भी लेस देन इक्वल टू 1 होती है। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू द बुलियन फंक्शन x बार इंटू एक्स बार प्लस वाई, एक्स बार इंटू एक्स बार प्लस वाई, इसका इक्विवेलेंट कितना होगा ये आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको देखो जो हमारे ब्रैकेट के अंदर में है उसको हम ओपन कर देंगे, राइट। तो यहां पर हो जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस हो जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई, राइट ये हो जाएगा। अब यहां पर देखो ये जो एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट है ये हो जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट, राइट। यानी कि यहां पर होगा एक्स कॉम्प्लीमेंट और प्लस ये वाला टर्म, ये हो जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई। अब यहां से आप एक्स कॉम्प्लीमेंट को फिर से कॉमन ले सकते हो, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट उसके बाद ब्रैकेट में आ जाएगा वन प्लस वाई। अब यहां पर देखो वन प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा वन, राइट, इंटू यहां पर क्या है एक्स कॉम्प्लीमेंट। सो एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स कॉम्प्लीमेंट। यानी कि इसको हम, ये जो टर्म गिवन है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके एक्स कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम इसको लिख सकते हैं, राइट। सो ऑप्शंस देख लीजिए, लास्ट ऑप्शन में गिवन है, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन एनालॉग मेजरमेंट डिवाइस इज व्हाट, एनालॉग मेजरमेंट डिवाइस में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो क्या होगा। सबसे पहले हम दो तीन एनालॉग मेजरमेंट डिवाइस को देख लेते हैं, उसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला देख लेते हैं, राइट। देखो यदि मैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट या फिर मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की मैं बात करूं, तो इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो जाएगा ये होता है BINA, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, करंट, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, उसके बाद एरिया ऑफ द कॉइल, राइट। यहां से आपको देखने से मिलता है कि जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। ये जो करंट है ये क्वाइल में करंट फ्लो करने वाला करंट है, राइट। तो जिस क्वाइल में करंट फ्लो करेगा आई उसी के प्रोपोर्शनल होगा उसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन केस ऑफ पीएमएमसी। यदि मैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो इन केस ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है ये हो जाएगा हाफ आई स्क्वायर डी एल अपॉन डी थीटा।
यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इट मीन्स आप बोल सकते हैं कि करंट के प्रोपोर्शनल है, राइट। उसके बाद थर्ड इंस्ट्रूमेंट हम देखने वाले हैं ईडी टाइप इंस्ट्रूमेंट, सॉरी ईडी टाइप इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रो डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट की हम बात करें तो इसमें जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा टी डी, इसको हम लिखेंगे आई वन इंटू आई टू कॉस अल्फा डी एम अपॉन डी थीटा। यहां से आप कहेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ये भी करंट के प्रोपोर्शनल है, राइट। इन तीनों ही इंस्ट्रूमेंट में हमने देखा है कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑप्शंस को रीड कर लीजिए, सेकेंड ऑप्शन में आपको नजर आएगा कि प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू द कॉइल, यानी कि सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 41। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस फॉर्म अ व्हाट, तो ये फॉर्म करता है वेबसाइट, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 42। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा है, अ मो रिले इज अ व्हाट, यहां पर मो रिले के बारे में आपसे पूछा है कि मो रिले इनमें से किस टाइप का रिले होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, मो रिले के अलावा दो और रिले होते हैं, इम्पेडेंस रिले होता है, रिएक्टेंस रिले होता है, तो हम सबके बारे में वन बाय वन देख लेते हैं, राइट। स्टार्ट करते हैं इम्पेडेंस रिले से। देखो इम्पेडेंस रिले यानी कि जेड रिले, ये किस टाइप का रिले होता है, ये होता है वोल्टेज रीस्ट्रेंड ओवर करंट रिले, ये होता है वोल्टेज रीस्ट्रेंड ओवर करंट रिले। इसका कहने का मतलब है कि जो इसमें करंट होगा, जो करंट होगा उसकी वजह से इस रिले में पॉजिटिव डायरेक्शन में टॉर्क आएगा, और जो वोल्टेज है उसकी वजह से नेगेटिव टॉर्क आएगा, राइट। इसीलिए कहा गया है कि वोल्टेज रीस्ट्रेंड ओवर करंट रिले, राइट। उसके बाद दूसरा रिले हम देखते हैं रिएक्टेंस रिले, इट मींस एक्स रिले। यदि मैं एक्स रिले की बात करूं तो ये हो जाएगा डायरेक्शनल रीस्ट्रेंड ओवर करंट रिले होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट रिले की मैं बात करूं मो रिले, या फिर इसको हम एडमिटेंस रिले भी बोलते हैं, वाई रिले भी बोलते हैं, तो मो रिले या फिर एडमिटेंस रिले, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है वोल्टेज रीस्ट्रेंड डायरेक्शनल रिले। ये तीनों तरह के रिले मैंने यहां पर दिखा दिया आपको। ऑप्शंस को देखिए, मो रिले के बारे में पूछा है तो मो रिले क्या हो जाएगा, वोल्टेज कंट्रोल्ड डायरेक्शनल रिले, वोल्टेज कंट्रोल्ड हो या फिर वोल्टेज रीस्ट्रेंड हो, ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल डायरेक्शनल रिले, ये हो जाएगा मो रिले, राइट। उसके बाद और भी दो रिले हैं, देखो डायरेक्शनल रीस्ट्रेंड ओवर करंट रिले, ये कौन सा रिले हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स रिले यानी कि रिएक्टेंस रिले। उसके बाद वोल्टेज कंट्रोल्ड ओवर करंट रिले, ये कौन सा रिले है, ये है इम्पेडेंस रिले, जेड रिले, राइट, ये तो वोल्टेज रिले है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। देखो अ रेसिस्टेंस इंडक्टेंस एंड अ कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, एक रेसिस्टेंस एक इंडक्टेंस और एक कैपेसिटेंस, ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है लाइक दिस।
रेसिस्टेंस की कितनी वैल्यू है, ये है 20 ओम। इंडक्टेंस की कितनी वैल्यू है, ये हो जाएगा जो इंडक्टेंस है उसका रिएक्टेंस गिवन है वो है 30 ओम, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जे 30 ओम, राइट। उसके बाद जो कैपेसिटेंस है उसका रिएक्टेंस गिवन है 10 ओम, यानी कि इसको हम लिखेंगे माइनस जे 10, राइट। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि द नेट रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, यहाँ पर ध्यान देना, दिस इज नेट रिएक्टेंस। रिएक्टेंस यानी कि एक्स इक्विवेलेंट की वैल्यू आपसे पूछी है, इम्पीडेंस नहीं है, राइट, एक्स इक्विवेलेंट। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ये जो सर्किट है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 20, जो टोटल इम्पीडेंस आएगा जेड, ये हो जाएगा 20 प्लस जे 30 माइनस जे 10। इसको हम लिख सकते हैं 20 प्लस जे 20, राइट, जे 30 माइनस जे 10, ये हो जाएगा जे 20। अब यहाँ पर ये है रेसिस्टेंस और ये क्या है, दिस इज रिएक्टेंस, दिस इज एक्स इक्विवेलेंट, और इसी की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो एक्स इक्विवेलेंट यानी कि 20 ओम होगा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है 20 ओम, सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। Which of the following is a valid identifier name as per the naming rules of C language? इसमें क्या हो जाएगा, remainder 4, कहाँ है ये, remainder 4 हो जाएगा इसका correct answer, यानी कि option 3 will be the correct answer for this question. Next question पे चलिए, question number 45. Which of the following logic gates provides आउटपुट एज वन व्हेन बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट, दोनों इनपुट जब डिफरेंट हो तब हमें आउटपुट मिले वन, ये कौन सा लॉजिक गेट होगा? तो यहां पर हम देखते हैं एक्सोर गेट का ट्रूथ टेबल, एक्सोर गेट, अगर दो इनपुट हो ए बी और आउटपुट हो वाई, अगर दोनों इनपुट होंगे 0 0 तो आउटपुट यहां पर होगा 0, अगर 0 1 होगा तो आउटपुट हो जाएगा 1, अगर 1 0 होगा तो आउटपुट होगा 1, अगर 1 1 होगा तो आउटपुट होगा 0। ये हो गया ट्रूथ टेबल ऑफ XOR गेट। यहां पर आप देख सकते हैं, वी कैन सी हियर, दोनों डिफरेंट इनपुट हैं, 0 1 1 0, ये दोनों डिफरेंट इनपुट हैं, उसके लिए आउटपुट क्या है, 1 है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, XOR गेट, XOR गेट इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये टू रेसिस्टर्स ऑफ 40 ओम एंड 40 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, दो रेसिस्टर है जो कि 40 ओम ईच है, ये दोनों हमारे सीरीज में कनेक्टेड है, 40 ओम और 40 ओम बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज लाइक दिस। ओके, उसके बाद कहा है अ वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस, यानी कि R इज इक्वल टू 0, राइट, एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस है 0, इज कनेक्टेड इन शंट अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन है 40 ओम और 40 ओम का जो ये कॉम्बिनेशन बनता है इसके साथ शंट में कनेक्टेड है, इट मींस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसके साथ हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे एक ऐसे वायर को हम कनेक्ट करेंगे जिसका रेसिस्टेंस हो 0, राइट। इट मींस यहाँ पर मैं एक शॉर्ट सर्किट ऐसे मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ, क्योंकि दिस वायर इज ऑफ 0 रेसिस्टेंस, राइट। सो अब आपसे पूछा है कि द इफेक्टिव रेसिस्टेंस विल बी व्हाट, इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ पर क्या है 80 ओम का रेसिस्टर है और इसके साथ पैरेलल में एक शॉर्ट सर्किट वायर है, यानी कि रेसिस्टेंस इसका 0 है, इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा इसका 0 ओम, आर इक्विवेलेंट इसका हो जाएगा 0 ओम, या फिर आप इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हो ऐसे, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि 80 ओम और 0 ओम बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 80 into 0 divided by 80 plus 0,
इट मीन्स ये हो जाएगा 0/80, इट मीन्स ये हो जाएगा 0 ओम। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो या फिर आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो 0, राइट। सो ऑप्शन देख लीजिए, थर्ड ऑप्शन में गिवन है 0, सो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एनर्जी मीटर इज एन व्हाट? एनर्जी मीटर इनमें से किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है? तो एनर्जी मीटर क्या होगा? एनर्जी मीटर होता है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। इस क्वेश्चन में क्या कहा है ना, इट इज एडवाइजेबल टू स्टार्ट अ डीसी सीरीज मोटर विथ सम लोड। क्यों ऐसा कहा जाता है कि जो डीसी सीरीज मोटर है इसको आप नो लोड पे रन मत कराओ, इसमें कुछ लोड डालने के बाद ही आप इसको स्टार्ट करो। इसका रीजन ये है कि जो स्पीड और ये एक्सिस है स्पीड और ये एक्सिस हो जाएगा लोड, तो स्पीड लोड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसका होता है ऐसा ऐसा होता, राइट। इट मींस यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जब आप लोड को जीरो कर दोगे, यहां पर नियर अबाउट जीरो लोड मींस नो लोड, आप इसको ऐसे लिख दो कि दिस इज नो लोड। जब आप डीसी मोटर को नो लोड पे रन कराओगे तब आप इसकी स्पीड को देख सकते हो, ये कितना है, वेरी वेरी हाई स्पीड, डेंजरस स्पीड होता ही है। इसी वजह से हम कहते हैं कि इसको हम नो लोड पे रन नहीं करवाएंगे, इसको सम लोड इसके ऊपर डालने के बाद ही हम इसको स्टार्ट करेंगे, ओके। इसकी स्पीड को लिमिट करने के लिए कहा जाता है, राइट। इट मींस आप ऑप्शंस को देख लीजिए, सेकेंड ऑप्शन में गिवन है लिमिट द स्पीड, यानी कि सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 49, रीड करिए इसको। इफ अ मेमोरी हैज 10 एड्रेस लाइंस, एंड द साइज ऑफ इस एड्रेसेबल लोकेशन इज 4 bytes, देन व्हाट इज द मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी। यहां पर नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस कितने हैं, 10 है, और यहां पर क्या है, ईच एड्रेसेबल लोकेशन का जो साइज है वो है 4 bytes, तो यहां पर मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4×2^10 bytes, राइट। इट मींस आप इसको क्या लिखोगे, ये हो जाएगा 4×2^10 कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए 2×10 हो जाएगा 2×10, इट मींस 1024, ये हो जाएगा 1024 bytes। सो 1024 बाइट मींस होता है 1 kilobyte, 1 KB होता है ये, राइट। सो 4×1 KB इट मींस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 KB, राइट। सो मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी ये कितनी हो जाएगी, 4 KB, यानी कि 4 kilobyte। ऑप्शंस देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है 4 kilobyte, सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एल्गोरिदम स्टेट्स दैट द एल्गोरिदम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनाइटनेस, राइट। सो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। अ गैल्वेनोमीटर
with a full scale current of 10 milliampere has a resistance of 1000 ohm. एक galvanometer है जिसका resistance है 1000 ohm, यानी कि जो meter resistance है वो है 1000 ohm. Right? अब इसने कहा है the multiplying power of a 100 ohm shunt with this galvanometer is what? यानी कि यहाँ पर शंट रेसिस्टेंस जो यूज किया गया है उसकी वैल्यू है 100 ओम. तो आपको मल्टीप्लाइंग पावर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इट मींस आपको एम फाइंड आउट करना है कि एम कितना होगा. तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करते हैं शंट रेसिस्टेंस का वो कितना हो जाएगा, वो होता है मीटर रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय एम माइनस वन. यहाँ से हमें एम को फाइंड आउट करना है, राइट. सो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एम माइनस वन This is equal to Rm upon RSH, ऐसा हो जाएगा, right? यहाँ पर देखिए, m minus one, this is equal to Rm की वैल्यू के बने 1000 divided by RSH, ये है 100, यानी कि ये हो जाएगा कितना 10. It means यहाँ से हमें मिला है m minus one is equal to 10, so जो multiplying power m है, वो कितना हो जाएगा 10 plus one, it means 11. ओके ऑप्शंस देख लीजिए, सेकंड ऑप्शन में गिवन है 11, सो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू बुलियन अलजेब्रा इज फॉल्स, इनमें से कौन सा फॉल्स है. फर्स्ट को चेक करते हैं या फिर लास्ट से देखो, लास्ट में देखो, 1 प्लस x इज इक्वल टू 1, दिस इज ट्रू, ट्रू है. x प्लस x डैश ये भी होगा 1, राइट. x प्लस x डैश ये क्या होता है, 1 होता है, दिस इज ट्रू. ओके उसके बाद इसको चेक कर लेते हैं, ये क्या होगा, ये होगा x इंटू x कॉम्प्लीमेंट प्लस x into x complement into y. अब x into x complement ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0. x into x complement into y ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0. So 0 plus 0 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0. लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ 1. It means ये होगा false statement. This is false. Right? उसके बाद first को हम check कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x into x complement प्लस हो जाएगा x इंटू वन, यानी कि दिस, यानी कि ये हो जाएगा x इंटू x कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा 0, 0 प्लस x, यानी कि ये हो जाएगा x. तो ये हमारा है करेक्ट, राइट. 1, 3 और 4 ये तीनों ट्रू स्टेटमेंट्स हैं. सेकंड जो ऑप्शन में गिवन है वो होगा फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए. देखिए, फॉर द सेम वोल्टेज ड्रॉप, फॉर द सेम वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटर n टाइम्स. उसके बाद ऑप्शंस हैं, ये क्या होगा ये आपको बताना है. सो वोल्टेज ड्रॉप को सेम रखना है, बट जो वोल्टेज है डिस्ट्रीब्यूटर का, जो वोल्टेज है वो n टाइम्स इंक्रीज कर दिया गया है. देखो, सपोज ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, राइट. यहाँ पर कुछ ना कुछ लोड कनेक्ट होगा. सो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक लोड कनेक्टेड है. ये लोड है पी पावर का लोड है, तो पी इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा वी आई कॉस फाई. ओके वी कहाँ का वोल्टेज है, जिसके साथ ये लोड कनेक्टेड है वहाँ का वोल्टेज. अब आपने क्या कहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर का जो वोल्टेज है वो n टाइम्स आपने इंक्रीज कर दिया है. जब आप वोल्टेज को इंक्रीज करोगे, जब आप वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तो जो यहाँ पर पावर है, जो लोड कनेक्टेड है, जिस पावर का लोड कनेक्टेड है वो ज़्यादा पावर ड्रॉ नहीं करेगा, उसका जो पावर है वो कॉन्स्टेंट है. लेकिन आपने क्या किया है, आपने वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया. तो जब आप वोल्टेज को इंक्रीज करोगे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो करंट है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा, ये जो करंट है वो डिक्रीज हो जाएगा,
राइट। अगर आप वोल्टेज को एन टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो, वोल्टेज को आपने इंक्रीज किया है एन टाइम्स, यहाँ पर वोल्टेज को इंक्रीज किया है एन टाइम्स, यानी कि जो करंट है वो एन टाइम्स हमारा डाउन हो जाएगा, राइट। अब जो करंट है वो एन टाइम्स आपका रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है, राइट। लेकिन आपने कहा है कि सेम वोल्टेज ड्रॉप होना चाहिए। वोल्टेज ड्रॉप मीन्स व्हाट? वोल्टेज ड्रॉप मीन्स V इज इक्वल टू I इनटू R। वोल्टेज ड्रॉप, ये जो ड्रॉप है इसको सेम होना है, सेम ही रहना है। और यहाँ पर आपने क्या किया, जो करंट है वो हमारा रिड्यूस हुआ है n टाइम से, सो रेसिस्टर को इंक्रीज होना पड़ेगा n टाइम से, राइट। n टाइम से रेसिस्टर को इंक्रीज होना पड़ेगा फॉर सेम वोल्टेज ड्रॉप। अब यहाँ पर रेसिस्टेंस जब इंक्रीज होगा n टाइम से, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा वो हम देख लेते हैं। रेसिस्टेंस R होता है रो L अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया A। आपने कहा है कि जो रेसिस्टेंस है उसको n टाइम्स इंक्रीज होना चाहिए, सो इसके लिए जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है इस वायर का, इस डिस्ट्रीब्यूटर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो n टाइम्स रिड्यूस होना चाहिए, राइट। अब आप ऑप्शंस को देख लीजिए। रिड्यूसेस क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर बाय n टाइम्स, ओके। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 54। शंट रिएक्टर्स आर नीडेड। शंट रिएक्टर्स आर नीडेड। शंट रिएक्टर हम क्यों यूज करते हैं? यहां पर देखो, जैसे ट्रांसमिशन लाइन यहां पर होगा बस बार, यहां पर कुछ लोड कनेक्टेड है, दिस इज अ लोड। यहां पर हमें ये जो बस बार है, यहां पर हमें शंट रिएक्टर को कनेक्ट करने की नीड पड़ रही है, दिस इज शंट रिएक्टर। ऐसा हम क्यों करते हैं? शंट रिएक्टर को कनेक्ट करने की नीड कब पड़ती है? जब इस बस बार का जो वोल्टेज है वो इंक्रीज हो जाए। बस बार का वोल्टेज अगर जो इंक्रीज हो जाए तो उसको डाउन करने के लिए हम क्या करते हैं, शंट रिएक्टर यूज करते हैं। इसके ऑपोजिट में देखो कि जब बस बार का वोल्टेज डाउन हो जाता है तो उसको इंक्रीज करने के लिए हम शंट कैपेसिटर लगाते हैं, सो दैट वोल्टेज हमारा इंक्रीज हो जाए। लेकिन जब वोल्टेज हमारा हाई हो एट नो लोड या फिर लाइट लोड के केस में, क्योंकि जब जो हमारा सिस्टम है उस पर अगर लोड कम हो, वैसे केस में क्या होता है, वहां पर फेरांटे इफेक्ट वर्क करता है और रिसीविंग एंड का जो वोल्टेज है वो इंक्रीज हो जाता है। अब उस वोल्टेज को डाउन करने के लिए हम शंट रिएक्टर यूज करते हैं, राइट। ऑप्शंस को देख लीजिए। टू ब्रिंग डाउन रिसीविंग एंड वोल्टेज, ये करेक्ट है। अंडर हैवी लोड, नहीं, हैवी लोड के केस में तो ऑलरेडी वोल्टेज डाउन होता है, राइट। हैवी लोड के केस में हम नहीं करते हैं, लाइट लोड के केस में करते हैं, राइट। लाइट लोड कंडीशन, हैवी लोड नहीं होगा, लाइट लोड कंडीशन में होगा। देखो इसमें कहा है टू बूस्ट रिसीविंग एंड वोल्टेज, नहीं, टू ब्रिंग डाउन रिसीविंग एंड वोल्टेज एट लाइट लोड, यानी कि सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 55। 1 हेनरी प्योर इंडक्टर कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पीयर विल स्टोर एनर्जी ऑफ व्हाट। एक इंडक्टर है 1 हेनरी का, इसमें करंट फ्लो करता है 3 एम्पीयर, इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी? सो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ये हो जाएगा हाफ एल आई स्क्वायर, इट मीन्स 1/2। इंडक्टेंस की वैल्यू के बने 1 हेनरी और करंट आई की वैल्यू के बने 3 एम्पीयर, सो 3 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/2, इट मीन्स 4.5 जूल की एनर्जी स्टोर करेगा ये इंडक्टर, राइट। ऑप्शंस देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बना, 4.5 जूल, सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू सी लैंग्वेज इज आर फॉल्स, इनमें से कौन सा फॉल्स होगा? बोथ INT अनसाइंड INT वेरिएबल्स कैन स्टोर एग्जैक्टली द सेम रेंज ऑफ वैल्यूज, ये हो जाएगा फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। दूसरा देख लेते हैं, वेरिएबल इन सी लैंग्वेज कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज लॉन्ग डबल, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स हैं, राइट? बोथ वन एंड टू, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 57। वन केवीए, 230 केवीए, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है, राइट? क्वेश्चन को टाइप करने टाइम यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज एडी करंट लॉस ऑफ 30 वॉट। द एडी करंट लॉस व्हेन द ट्रांसफार्मर इज एक्साइटेड बाय डीसी सोर्स ऑफ द सेम वोल्टेज विल बी व्हाट। यानी कि आपको ये पूछ आपसे ये पूछा है कि दिस इज अ ट्रांसफार्मर, यहां पर ये है ट्रांसफार्मर, ये दिस इज अ ट्रांसफार्मर। यहां पर सबसे पहले क्या क्या आ जाएगा कि इसमें सप्लाई किया गया है, ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है तो सिंगल फेज इसको सप्लाई दिया गया है एसी, 50 हर्ट्ज का सप्लाई है। अब इसमें एडी करंट लॉस होता है 30 वॉट। उसके बाद दूसरे केस में क्या किया गया है कि जो हमारा एसी सप्लाई है उसको रिमूव करके इसको हमने डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। इस ट्रांसफार्मर को जब मैंने डीसी सोर्स से कनेक्ट किया है तो वैसे केस में इसमें एडी करंट लॉस क्या होगा, क्या एडी करंट लॉस सेम होगा या उससे कम होगा या ज्यादा होगा, ये आपसे पूछा गया। सो एडी करंट लॉस होता क्या है, यहां देखो, सपोज दिस इज कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर का कोर है, ऐसा सिलेंड्रिकल टाइप ये कोर है। अब क्या होगा ना कि जब इसके ऊपर आप वाइंडिंग लगाते हो और उसमें आप क्या करते हो एसी सप्लाई देते हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा ना, ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स जनरेट होगा, क्योंकि आप जो करंट प्रोवाइड कर रहे हो वो ऑल्टरनेटिंग होता है, यानी कि हाफ हाफ टाइम पीरियड के लिए पॉजिटिव होता है, हाफ टाइम पीरियड के लिए नेगेटिव होता है। ये मैं करंट की बात कर रहा हूँ, ये है करंट, राइट? जब क्वाइल में करंट ऐसा फ्लो करेगा तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में हो करंट, वैसे केस में क्या होगा कि जो इसमें फ्लक्स है, सपोज फ्लक्स इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, फ्लक्स फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आया है करंट का तब फ्लक्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो यहां जो फ्लक्स का रिवर्सल हो रहा है, जब फ्लक्स का रिवर्सल होता है तो ये जो हमारा कोर है, ट्रांसफार्मर का कोर है, इसमें होंगे मैग्नेटिक डोमेन्स, राइट? तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक डोमेन्स है वो अपने आप को अरेंज करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो कर रहा था तो ये जो कोर है इसका मैग्नेटिक डोमेन ये कहाँ जाएगा, ये इस डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेगा। उसके बाद जैसे ही हाफ साइकिल के बाद नेगेटिव हाफ साइकिल में आया है, यानी कि करंट का डायरेक्शन जैसे ही रिवर्स हुआ तो फ्लक्स का डायरेक्शन रिवर्स होगा। फ्लक्स का डायरेक्शन जैसे ही रिवर्स हुआ, इसके जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं वो अपने आप को इस डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेंगे, राइट? तो इनका जो रिवर्सल है, इस रिवर्सल को रोकने के लिए इसके अंदर छोटे छोटे लूप्स बनते हैं एडी करंट के, राइट? यहां पर छोटे छोटे से लूप बन जाएंगे एडी करंट के, ऐसे इस तरीके से एडी करंट के कुछ छोटे छोटे से लूप बनेंगे इसी कोर के अंदर, राइट? सो दैट ये जो लूप है ये एक्स्ट्रा ये फ्लक्स प्रोवाइड कर सके और जो मैग्नेटिक डोमेन उसके चेंज हो रहे हैं उसको वो चेंज होने से रोक सके। इसके लिए उस चेंज को ये अपोज करता है, अपोज करने की वजह से इसमें एडी करंट प्रोड्यूस होता है। अब ये जो एडी करंट आया है इसकी वजह से कोर में होगा लॉस, इसी को कहते हैं एडी करंट लॉस, राइट?
सो अब जब हम इसमें डीसी सोर्स अप्लाई करेंगे, इस वाइंडिंग में डीसी सोर्स जब हम लगाएंगे तो करंट का रिवर्सल नहीं होगा, करंट तो हमारा सेम रहेगा। डीसी सोर्स हमने अप्लाई किया तो करंट हमारा सेम होगा, ये करंट होगा कांस्टेंट सेम होगा। तो जब करंट सेम होगा तो इस कोर में जो फ्लक्स है वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इसके अंदर का जो मैग्नेटिक डोमेन्स है वो चेंज नहीं होगा, और जब वो चेंज नहीं होगा तो इसमें एडी करंट प्रोड्यूस ही नहीं होगा, राइट। तो जब एडी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा तो एडी करंट लॉस भी नहीं होगा, है ना। इट मींस इन केस ऑफ डीसी सोर्स एडी करंट लॉस विल बी जीरो, राइट। फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, यहां पर गिवन है जीरो वॉट्स, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन रिपीट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 58। इन अ पावर ट्रांसफार्मर कॉपर लॉसेस अकर इन वॉट, यहां पर कॉपर लॉस कहां अवेलेबल होता है, ये कहां पर होता है कॉपर लॉस? तो कॉपर लॉस होता है वाइंडिंग में, जो वाइंडिंग्स यूज करते हैं एचवी साइड वाइंडिंग एलवी साइड वाइंडिंग, उस वाइंडिंग में होता है कॉपर लॉस, यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। एन आइडियल वोल्टेज सोर्स हैज विच ऑफ द फॉलोइंग, टर्मिनल वोल्टेज इन प्रोपोर्शन टू लोड, ओपन सर्किट वोल्टेज इक्वल टू द वोल्टेज ऑन फुल लोड, ओपन सर्किट वोल्टेज इक्वल टू वोल्टेज ऑन फुल लोड। चलो ये तो ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। जीरो इंटरनल रेसिस्टेंस, ये भी सही है। टर्मिनल वोल्टेज इन प्रोपोर्शन टू करंट, नो। देखो इसने तो कहा है कि ओपन सर्किट वोल्टेज इक्वल टू वोल्टेज ऑन फुल लोड, ये तो वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज तो सेम रहेगा, राइट। वोल्टेज सोर्स मींस आप उसके क्रॉस लोड को कितना भी चेंज कर दो, करंट चेंज हो जाएगा लेकिन वोल्टेज चेंज नहीं होगा, राइट। सो ओपन हो लोड, उसमें आप कनेक्ट करो या फिर लोड कनेक्ट ना करो, उसके क्रॉस का वोल्टेज सेम होगा। उसके बाद दूसरा जो थर्ड स्टेटमेंट था वो ये था, जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। सो आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जीरो। वैसे जो वोल्टेज सोर्स है वो उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वोल्टेज सोर्स। यहां पर इसका होगा वोल्टेज वी, सोर्स वोल्टेज वी एस लिख रहे थे। ये होगा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। इन केस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स आर एस विल बी इक्वल टू जीरो ओम, तो जब आर एस जीरो ओम हो जाएगा जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा इन केस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स। अगर आइडियल करंट सोर्स होता, आइडियल करंट सोर्स, तो आइडियल करंट सोर्स के केस में जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आर एस, वो होता है इनफाइनाइट, और वोल्टेज सोर्स में क्या होता है जीरो होता है। तो यहां पर ये दोनों आंसर यहां पर करेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। इन ए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है ये, C1 इज द कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड फॉर बेस्ट स्टार्टिंग टॉर्क, यानी कि इस C1 को हम बोलेंगे स्टार्टिंग कैपेसिटर, C1 इज कॉल्ड एज स्टार्टिंग कैपेसिटर, राइट। उसके बाद C2 के बारे में क्या कहा, C2 इज द कैपेसिटेंस रिक्वायर्ड फॉर बेस्ट रनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो C2 है इसको हम बोलेंगे रनिंग कैपेसिटर। स्टार्टिंग कैपेसिटर हम यूज करते हैं स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए स्टार्टिंग कैपेसिटर को यूज करते हैं। इसकी वैल्यू होती है हाई, यानी कि यहां पर मैं लिखूंगा कि जो C1 है स्टार्टिंग कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू होती है C2 से हाई, वेरी हाई एज कंपेयर टू रनिंग कैपेसिटर। और जो रनिंग कैपेसिटर है इसका हम यूज करते हैं पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, राइट। पावर फैक्टर इम्प्रूव रहे और जो जो हमारा मोटर होगा वो कम करंट को ड्रॉ करे, इसलिए हम रनिंग कैपेसिटर उसमें कनेक्ट करके रखते हैं,
ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है सी वन और सी टू के बीच में रिलेशन। सो सी वन इज मोर देन सी टू, सी वन इज मच लार्जर देन सी टू, इट मीन्स फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 61। इन अर्थिंग सॉल्ट चारकोल एटसेट्रा आर मिक्स्ड विद सॉइल टू व्हाट। अर्थिंग में हम जो सॉइल है सॉइल के साथ ये सब हम क्यों मिक्स करते हैं? ये मिक्स इसलिए करते हैं क्योंकि सॉइल की जो रेसिस्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाए, वो डिक्रीज होगा यानी कि रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा, राइट। इट मींस इसके थ्रू जो हमारा अर्थिंग वायर है उसके थ्रू करंट ज्यादा फ्लो करेगा, राइट। दैट्स व्हाई हम ऐसा करते हैं। तो यहां पर ऑप्शंस देख लीजिए, डिक्रीज द रेसिस्टिविटी ऑफ द सॉइल, इट मींस फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप यहां पर क्या करना है, आप हमें कॉमेंट में बताओ कि अर्थिंग जो हम यूज करते हैं इसका पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ अर्थिंग आप हमें बताओ कि क्या होगा, पर्पस ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग हम क्यों यूज करते हैं ये आप हमें कमेंट करके बताओ, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 62। अ लाइन विच कनेक्ट्स और डिस्ट्रीब्यूटर टू द कंज्यूमर्स लोड पॉइंट इज व्हाट। तो कंज्यूमर लोड पॉइंट से लेकर डिस्ट्रीब्यूटर तक कनेक्ट करने वाला जो लाइन होता है उसको कहते हैं सर्विस मेंस, यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट डिजाइन टू स्विच वन ऑफ सेवरल इनपुट लाइंस टू अ सिंगल कॉमन आउटपुट लाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा मल्टीप्लेक्सर, राइट। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। मूविंग कॉइल गिव्स द फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद 15 मिली एम्पीयर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। मीटर रेजिस्टेंस गिवन है 5 ओम और यहां पर मीटर करंट गिवन है कितना, 15 मिली एम्पीयर। अब कहा है द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू एनेबल द रेजिस्टेंस इन पैरेलल टू एनेबल द इंस्ट्रूमेंट टू रीड अप टू 1 एम्पीयर, यानी कि अब इस इंस्ट्रूमेंट को रीड करना है 1 एम्पीयर। तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर m क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 एम्पीयर डिवाइडेड बाय 15 मिली एम्पीयर। इट मींस m विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 15 इनटू हो जाएगा यहां पर 10 टू द पावर 3। इट मींस ये कितना हो जाएगा, m की वैल्यू दिस डिवाइडेड बाय 15, इट मींस हो जाएगा 66.66। m की वैल्यू आ गई 66.667 m हो गया। अब यहां से आपको क्या करना है ना, शंट रेसिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। ये हो जाएगा मीटर रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय m माइनस 1। मीटर रेसिस्टेंस गिवन है 5 ओम, सो 5 डिवाइडेड बाय m माइनस 1 यानी कि 65.667। 5 डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू 0.076। दिस इज 0.076 ओम। ये हो जाएगा शंट रेसिस्टेंस। ऑप्शन देख लीजिए, सेकेंड ऑप्शन में गिवन है 0.076 ओम, सो सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। इस क्वेश्चन में क्या कहा है ना, 65 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा है रो इज कॉल्ड एज व्हाट। रो क्या कहलाता है, ये होता है रेसिस्टिविटी। रो होता है रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66। द इकोनोमाइजर ऑफ स्टीम टर्बाइन सिस्टम इज लोकेटेड इन द व्हाट। तो ये कहां लोकेट होता है, ये होता है फीडिंग वाटर सर्किट में। फीडिंग वाटर सर्किट यानी कि सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67।
द एसी आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ एन अल्टरनेटर ऑपरेट्स एट व्हाट द फील्ड वाइंडिंग वोल्टेज। एसी आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ एन अल्टरनेटर, देखो अल्टरनेटर का जो आर्मेचर वोल्टेज होगा वो फील्ड वाइंडिंग के वोल्टेज से ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। फील्ड वाइंडिंग में तो वेरी वेरी लो वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, सिर्फ इसको फ्लक्स को जनरेट करना होता है, राइट। और जो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग है इसके साथ तो पूरा का पूरा लोड कनेक्टेड होता है, राइट। सो इसका जो वोल्टेज होगा वो फील्ड वाइंडिंग के वोल्टेज से ज़्यादा होता है, मच हायर वोल्टेज दैन द फील्ड वाइंडिंग वोल्टेज। यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई लेवल लैंग्वेज सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। ये आपको कहां पे मिलता है, C++ में। यानी कि फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर नीड्स, देखो थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर नीड्स व्हाट। थ्री फेज एसी सप्लाई ओनली, एसी सप्लाई एज वेल एज डीसी सप्लाई, एसी सप्लाई एज वेल एज सिंगल फेज एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई ओनली। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्या होगा, ये थ्री फेज एसी सप्लाई भी इसको चाहिए और इसको डीसी सप्लाई भी चाहिए। सिंक्रोनस मोटर है, थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर है तो इसको थ्री फेज एसी सप्लाई चाहिए इसके आर्मेचर पर और डीसी सप्लाई चाहिए इसके फील्ड वाइंडिंग को, सो दैट ये फ्लक्स को प्रोड्यूस कर सके। ओके, यानी कि सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, और ये होगा इस क्वेश्चन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। ओके, ये होगा इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, देख लीजिए। A 10 kVA 500/100 volt transformer has a resistance referred to primary side is 0.3 ohm. The equivalent resistance of the transformer referred to secondary is what? यानी कि primary side जब हमने refer किया है तो हमें resistance मिला है 0.3 ohm, जब हम secondary side refer करेंगे तो कितना मिलेगा resistance, ये आपको find out करना है। यहाँ पर जो turns ratio given है A, ये कितना है 500/100, इट मीन्स 5 टर्न्स रेशियो गिवन है 5। सो आर इक्विवेलेंट रेफर टू सेकेंडरी साइड दिस विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर इक्विवेलेंट रेफर टू प्राइमरी साइड, राइट। ये हो जाएगा ए स्क्वायर टाइम्स, वेट, यहां पर प्राइमरी साइड वोल्टेज हाई है तो रेसिस्टेंस हाई होगा। यहां पर ए स्क्वायर से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, यहां पर आपको डिवाइड करना। मल्टीप्लाई तब होता जब ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता, राइट। ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करेंगे। ओके, देखिए, सो R equivalent refer to primary side divided by A square, ये हो जाएगा इसका आंसर। R equivalent refer to primary side ये given है 0.3 ohm, इसको हम divide करेंगे A square से, A given है 5, यानी कि इसका square ये हो जाएगा 25, so 0.3 divided by 25 ये हो जाएगा 0.012, what it is, this is 0.012 ohm, okay? सो ऑप्शन कौन सा सही होगा, थर्ड ऑप्शन में देखिए 0.012, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।